सी ए जॉयम हियर, वेलकम टू माई चैनल। वी शेल डिस्कस द विवाद से विश्वास स्कीम अंडर द एमएसएमई अनाउंस्ड बाई यूनियन बजट 2023। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज। हाई फ्रेंड्स, मिड वीक ब्लूज। वीक शुरू हुआ, बीच में आगे खत्म होने वाला है, तो हैप्पी वेनसडे फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। अभी देखिए, एमएसएमई विवाद से विश्वास स्कीम अनाउंस हुआ था बजट 2023 बाय अवर ऑनरेबल एफएम श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, इन विच सर्टन रिलीफ्स हैज बीन प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज हु आर ऑपरेटिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके पहले इनकम टैक्स पोर्टल में एक नया फैसिलिटी अनाउंस हुआ है, सीएसआई चालान स्टेटस इंक्वायरी फॉर टैन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है ना, जिसका आप टीडीएस काटते हैं, काट के पे करते हैं और फिर रिटर्न अपलोड करते हैं, तो चालान स्टेटस इंक्वायरी का एक फैसिलिटी ड्रॉप डाउन मेन्यू में आज से इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज एसएससीज एंड टैक्स पेयर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर टैन। सिर्फ उसी के लिए यह है। आप चालान स्टेटस इंक्वायरी अपलोड करके अपने यूटिलिटी में डाउनलोड करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ वो मैच हो जाए। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर। यूज द चालान स्टेटस इंक्वायरी, दैट इज द सीएसआई फैसिलिटी विच हैज बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम टुडे ऑन द इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल। नाउ कमिंग टू व्हाई आई एम अगेन डिस्कसिंग दिस विवाद से विश्वास स्कीम ऑफ एमएसएमई। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि इसका एक डेट दिया गया जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी विवाद से विश्वास स्कीम एमएसएमई एमनेस्टी इन अदर वर्ड्स वो आपको मिले। तो इसका कमेंसमेंट डेट वॉज 17th April 2023 एंड यू हैव टू अप्लाई विद इन 30th June 2023। That is, अभी 17 अप्रैल 2023 मतलब पिछले महीना, और उसका लास्ट डेट है 30 जून 2023। ये पीरियड के अंदर आपको अप्लाई करना है फैसिलिटी के लिए। अब फैसिलिटी क्या है, 19 फरवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपका कोई भी गवर्नमेंट सप्लाई टेंडर मटेरियल सर्विस या मटेरियल सप्लाई और सर्विसेज सप्लाई या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट अटक गया है ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, विद इन विच पीरियड, एग्जीक्यूशन का पीरियड ये कॉन्ट्रैक्ट का, अगर 19 फरवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में पड़ा है, तो ऐसे एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ये विवाद से विश्वास स्कीम है। इसके अंतर्गत जो ईएमडी है, एसडी है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, रिस्क अमाउंट है, ये अमाउंट का 95% वापस दिया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर को। 30 जून के अंदर आपको अप्लाई करना है। कौन से पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन डेट गिरना चाहिए, 19 फरवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये पीरियड में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन पीरियड है तो आप ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्कीम का पीरियड क्या है, 17 अप्रैल 2023 से लेके लास्ट डेट है 30 जून 2023। तो बी फास्ट एंड अप्लाई इमीडिएटली फॉर दिस, यू विल गेट 95% ऑफ द ईएमडी, एसडी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, रिस्क प्रीमियम अमाउंट, यू 95% ऑफ दिस विल बी रिफंडेड। इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, पर ये आपके लिए एक हेल्प होगा, इतना फंड्स आपका अनलॉक होगा। जिनको डीबार किया गया है उनके लिए भी एक फैसिलिटी है। ये पीरियड में मतलब 19 फरवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपको डीबार किया गया है सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब ये पीरियड में आप कोई काम नहीं कर पाए और आपको डीबार कर दिया, वो जो एक्शन है डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का उसको रिवोक करना पड़ेगा, ये उनको एमनेस्टी दिया जा रहा है। पर अगर आप परफॉर्मेंस के लिए इश्यूज, पेमेंट इश्यूज, आप ब्लैकलिस्टेड है कोई ना कोई दूसरे कारण से, तो आप ये स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बी क्विक, द लास्ट डेट इज 30th June 2023, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 17th April 2023। Apply and take back 95% of the amount of ESD, EMD, liquidated damages, risk premium amount जो है वो सब,
जो रिटेंशन अमाउंट है जो अटका पड़ा है उसका 95% गवर्नमेंट वापस करेगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब अप्लाई कहाँ करेंगे? तो GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो साइट है ना उसमें एक डेडिकेटेड पेज है ये एमनेस्टी का एप्लीकेशन करने के लिए। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन अप्लाई एंड अवेल दिस फैसिलिटी। सो बी फास्ट, गो टू द साइट ऑफ GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। दे हैव गॉट अ डेडिकेटेड वेब पेज इन दिस वेबसाइट अंडर विच यू कैन अप्लाई विथ ऑल द डिटेल्ड पर्टिकुलर्स। सो बी फास्ट एंड अवेल दिस स्कीम। दूसरा, महाराष्ट्र वैट एमनेस्टी स्कीम का पीरियड शुरू हो गया 1 मई से, लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2023 है। पहले का वीडियो मेरा देखिए जल्द से जल्द और यू अवेल दिस महाराष्ट्र वैट एमनेस्टी स्कीम ऑल्सो। इट इज एप्लीकेबल फॉर लग्जरी लीकर एक्ट, दिस एमनेस्टी इज एग्जॉस्टिव विच आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियो। इसके कुछ स्टेजेस भी है, वो भी है वो वीडियो में, चेक कर लीजिए CA JOYM माई यूट्यूब चैनल। होप यू आर लाइकिंग द नॉलेज शेयरिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गिव योर फीडबैक सो दैट आई बी एनकरेज्ड। हैव अ नाइस वीक अहेड, वील बी बैक विद मोर वीडियोज़।